समुद्र तट की संरचना किसी भी विकसित देश की बुनियादी पहचान मानी जाती है। भारत देश तीन दिशाओं में सागर से घिरा हुआ है। ये भौगोलिक विशेषता भारत को एक सक्षम प्राकृतिक समुद्री शक्ति बनाती है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और हमारे पोत परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के कुशल एवं सक्रिय नेतृत्व में सागर माला परियोजना के जरिए भारतीय सामुद्रिक विभाग समुद्री यातायात के बहुमुखी विकास के लिए विशाल योजनाओं का आरंभ कर रहे हैं और इन सभी योजनाओं को कार्यान्वित करने में JNPT प्रमुख भूमिका निभा रहा है। JNPT भारत सरकार द्वारा संचालित सभी बड़े पोर्ट्स में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है और भारत के सभी प्रमुख पोर्ट्स में होने वाले कुल कंटेनर यातायात का कुल 55% हिस्सा केवल JNPT द्वारा संभाला जाता है। JNPT ने वर्ष 2016-17 में 45,20,000 कंटेनरों का यातायात किया, जिससे ऐसा करने वाला वो भारत का पहला पोर्ट बन गया। भारत सरकार के सभी प्रमुख पोर्ट्स में से JNPT 1,000 करोड़ से ज्यादा मुनाफा कमाने वाला पहला पोर्ट बन चुका है। वर्ष 2016-17 में JNPT का मुनाफा 19% की वृद्धि के साथ 1,303 करोड़ तक पहुंच चुका है। JNPT वर्ष 2025-2026 तक 1,20,000,000 कंटेनरों के यातायात करने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। व्यापार को आसान बनाने के लिए JNPT में अनेक उपाय किए गए हैं, जैसे डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी और डायरेक्ट पोर्ट एंट्री। इनके कारण व्यापार करने में बहुत सुविधा हुई है। इसके अलावा बुनियादी संरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है, जैसे कस्टम प्रोसेसिंग जोन का निर्माण, सेंट्रलाइज्ड पार्किंग प्लाजा का विकास, पोर्ट हाईवे का विकास और साथ ही चौथे कंटेनर टर्मिनल का निर्माण, जो कि लगभग 8,000 करोड़ की लागत से किया जा रहा है और इसका पहला चरण दिसंबर 2017 तक कार्यान्वित होगा। महाराष्ट्र भारत के अन्य औद्योगिक राज्यों के मुकाबले सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य है। दिन पर दिन महाराष्ट्र के विविध उद्योगों की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं और महाराष्ट्र के इन्हीं अलग अलग उद्योगों की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मुंबई के उत्तरी भाग में वाड़वन से लगा हुआ अरब सागर का तट, जिसकी प्राकृतिक गहराई 20 मीटर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऑल वेदर ऑल कार्गो पोर्ट के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त है। यहाँ पर JNPT द्वारा सैटेलाइट पोर्ट का विकास किया जाएगा। इसके कार्यान्वित होने से महाराष्ट्र के उद्योगों को आयात निर्यात में बड़ी सुविधा होगी। इस पोर्ट के आने से बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश होगा और बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध होंगे। JNPT महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश लाने एवं नए रोजगारों का निर्माण करने हेतु स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना कर रहा है। इस सेज में लगभग 4,000 करोड़ का निवेश अनुमानित है और इसी के चलते बड़े पैमाने पर रोजगार के करीब 1.5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर पैदा होंगे। ये सेज सरकार की मेक इन इंडिया नीति में मददगार साबित होगा। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब JNPT महाराष्ट्र के वर्धा और जालना में ड्राई पोर्ट का निर्माण करने वाला है। ड्राई पोर्ट ये बहुत ही अभिनव प्रयोग है। ड्राई पोर्ट यानी एक ऐसा पोर्ट जो समुद्र से दूर बसे आंतरिक इलाकों को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है जो एक आम पोर्ट पर होती है, और वो भी उन क्षेत्रों के बेहद करीब। ड्राई पोर्ट के कारण इस क्षेत्र में बसे आयात निर्यात करने वाले सभी उद्योग को ये सुविधा होगी कि वे अपना माल अपने समीप स्थापित ड्राई पोर्ट में पहुंचाकर सीधे JNPT की उन्नत सुविधाओं का फायदा ले सकेंगे। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट की ओर से हमारे वर्धा जिले में सिंधी रेलवे में नए ड्राई पोर्ट सैटेलाइट पोर्ट का निर्माण हो रहा है। इसको रेलवे लाइन से जोड़ा जा रहा है और राष्ट्रीय महामार्ग से भी इसकी कनेक्टिविटी होगी। अब मुंबई में कंटेनर में जो भी माल आएगा वो रेलवे से डायरेक्ट हमारे वर्धा के सिंधी रेलवे के ड्राई पोर्ट में आएगा, जिससे ट्रक से लाने में जो कॉस्ट है वो रेलवे से लाने में काफ़ी बचत होगी।
नागपुर और विदर्भ का भी जो माल है, हमारे संतरे है, लकड़ी है, केमिकल्स है, जो भी कुछ है, वो एक्सपोर्ट करने की सुविधा वहाँ से होगी। और इसके साथ साथ इस ड्राई पोर्ट और सैटेलाइट पोर्ट में प्री कूलिंग प्लांट होंगे, कोल्ड स्टोरेज होंगे, जो किसानों के लिए विशेष उपयोगी होंगे। यहाँ इंडस्ट्री डेवलप होगी, विशेष रूप से एक्सपोर्ट करने वाले लोग यहाँ अपनी फैक्ट्री डाल सकेंगे और बूटीबोरी में और वर्धा जिले में जो भी इंडस्ट्री है वो अपना माल यहाँ से आसानी से एक्सपोर्ट कर सकेंगे। यहाँ से नए रोजगार निर्माण होंगे और वर्धा जिले में यहाँ के अनेक युवाओं को रोजगार मिलना, यही इसके पीछे मुख्य उद्देश्य था। आज मुझे खुशी हो रही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की उपस्थिति में इसका शुभारंभ हो रहा है। ये कार्य निश्चित रूप से विदर्भ विकास के लिए और वर्धा जिले के युवाओं को रोजगार मिलने के लिए उपयोगी साबित होगा। मेरी विशेष रूप से वर्धा जिला के जनता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं। वर्धा ड्राईपोर्ट बनने से इस क्षेत्र के सारे उद्योगों को भरपूर फायदा होने वाला है, जैसे कि यहां स्थित छोटे बड़े उद्योगों को अपना माल JNPT तक पहुंचाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, अपना सारा उत्पाद वर्धा ड्राईपोर्ट पर ही JNPT को सौंप सकेंगे। ड्राईपोर्ट पर स्थित वन स्टॉप शॉप सुविधा के कारण सारे अनुमतियों, प्रोसेसिंग एवं डॉक्यूमेंटेशन का काम ड्राईपोर्ट पर ही पूरा किया जाएगा, जिसके चलते 15 से 20 दिन का समय बच सकेगा। स्टफिंग और डी स्टफिंग की सुविधा पोर्ट पर मौजूद होने के कारण छोटे आयात निर्यात एक्सपोर्ट उद्योगों को इससे बेहद लाभ होगा। कृषि उत्पादों के उत्पादकों और व्यापारियों को सबसे बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उनके खराब होने वाले कई खाद्य पदार्थ एवं अन्य सामान जल्द से जल्द अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। चावल निर्यातक, कपड़ा उद्योग, स्टील एवं खनिज पदार्थों के व्यापारी, प्लास्टिक एवं पेपर, विद्युत उपकरण आदि प्रादेशिक उद्योगों को गति मिलेगी और उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर लाभ होगा। पोर्ट पर बनाए जाने वाले इंडस्ट्रियल पार्क में श्रेडर का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे रीरोलिंग के उद्योग को लाभ होगा। वर्धा ड्राईपोर्ट के आरंभ से यहां पर करीब 500 करोड़ के निवेश अलग अलग उद्योगों के रूप में होंगे और इसके परिणाम स्वरूप यहां पर स्थित स्थानीय लोगों के लिए करीब 1000 नए रोजगार पैदा होंगे। स्टफिंग और डी स्टफिंग करने वाली एजेंसियां और क्लियरिंग एजेंसियां ये काम यहां के स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देकर उन्हें सक्षम बनाकर नया रोजगार उपलब्ध कराएंगी। ड्राईपोर्ट के कंटेनर डिपो सेक्शन में भी निर्यात कंटेनर एकत्रित कर उन्हें रेलवे रैक पर लोड करना या आयात कंटेनर को उतार कर वितरित करने की भी प्रणाली होगी, जिसमें रोजगार बड़ी मात्रा में उपलब्ध होगा। ये ड्राईपोर्ट लगभग 350 एकड़ के क्षेत्र में स्थित होगा। इस ड्राईपोर्ट के पहले चरण में 180 करोड़ की लागत से करीब 25 हेक्टेयर क्षेत्र में विविध सुविधाओं का निर्माण होगा, जिनमें प्रमुख रूप से कंटेनर यार्ड्स, गोदाम, कोल्ड स्टोरेजेस, लिक्विड स्टोरेजेस, ट्रक टर्मिनल्स, कंटेनर फ्रेट स्टेशन आदि हैं। वहीं दूसरे ड्राईपोर्ट का निर्माण जालना में होने वाला है। ये ड्राईपोर्ट लगभग 180 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होगा। ये ड्राईपोर्ट भी वर्धा ड्राईपोर्ट पर मौजूद सारी सुविधाओं से युक्त होगा। ये दोनों ड्राईपोर्ट मुंबई स्थित JNPT से प्रमुख रेल मार्ग नागपुर मुंबई उन्नति एक्सप्रेसवे से और राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जुड़े होंगे। वर्धा ड्राईपोर्ट ये विदर्भ के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। अब भारत में लॉजिस्टिक्स ये सबसे बड़ा बिजनेस बनेगा और इस लॉजिस्टिक्स में नागपुर जो भारत के केंद्र स्थली में है वो इसका लॉजिस्टिक का हब बनेगा। एक और JNPT जैसा पोर्ट जो देश का सर्वाधिक कंटेनर कार्गो का ट्रैफिक हैंडल करता है, दूसरी जगह नागपुर जैसा लॉजिस्टिक का सेंटर और नागपुर मुंबई को जोड़ने वाला महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से निर्मित होने वाला समृद्धि कॉरिडोर, इसके कारण वर्धा ड्राईपोर्ट ये पूरे तरीके से एक नए अवसर को जन्म देगा और एक प्रकार का ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार होगा जिसमें नागपुर का कार्गो हब है, वर्धा का ड्राईपोर्ट है, जालना में ड्राईपोर्ट बनेगा और JNPT का पोर्ट, इससे महाराष्ट्र को और विशेषकर विदर्भ और मराठवाड़ा को बहुत फायदा होगा
मैं जेएनपीटी को और खासकर हमारे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय गडकरी जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। इन ड्राईपोर्ट्स के निर्माण से विदर्भ और मराठवाड़ा के लोगों का विकास होगा और उनका जीवन समृद्ध होगा। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, व्यापार आसान और सुरक्षित होगा और वर्धा तथा जालना के विकास के साथ साथ निश्चित ही संपूर्ण महाराष्ट्र और देश का विकास होगा।